गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि आज की जो क्लास है अपने टॉपिक वाली क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। तो आपका जो पहला टॉपिक है, कल के डिस्कशन में मैंने आपको बता ही दिया था, तो टॉपिक अपने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ, अलजेब्रा टॉपिक की, इसकी जो वेटेज है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, अगर प्री लेवल पे बात करें इसके 2 से 3 क्वेश्चन, अगर अपने एसएससी मेंस में बात करें तो अगर मैं प्री की बात करूं तो 2 से 3, और मेंस की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में आते हैं। आपको पता है कि हर क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का होता है, तो यहां से अगर बात करें तो ये कितना हो गया, 2 नंबर की बात करें तो 20 मार्क्स हो गए, और यहाँ से अगर बात करें तो लगभग 4 या 5, आप 5 ले लो इसे, तो 25 नंबर की वेटेज है। प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 50 नंबर का, मेंस का होता है 250 का। 250 में से 25 नंबर अगर इसकी वेटेज है तो ये कितना परसेंट हुआ, ये परसेंट हुआ आपका 10%। इसका मतलब इस चैप्टर की वेटेज तो बहुत ज़्यादा है। अगर वेटेज बहुत ज़्यादा है तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। अपने करेंगे कैसे, जैसे मैं आपको टाइप वाइज समझाऊँगा, पहले ये टाइप है, पहले जो स्टार्टिंग के 10-15 वीडियो रहेंगे उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन बनाने सिखाऊंगा। 10-15 वीडियो के बाद अपने क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 100-150 क्वेश्चन, वो अपने जैसे पहले मैं आपको समझाता था वैसे समझाऊंगा। तो आज की जो पहली क्लास है, पहला जो टॉपिक अपने ले रहे हैं वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और सेकंड है इसके अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अगर आप ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि b की जगह क्या लिखना है आपको, माइनस बी। देखो अगर b की जगह माइनस बी करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड जो बनेगा, अगर अपने बात करें कि अगर किसी क्वेश्चन में मान लो लिखा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है मान लो 5, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का रिजल्ट बताओ आप। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है कि एक्स से एक्स स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड में क्या करेंगे स्क्वायर, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ आपको, बाद में तो आप इसको डायरेक्ट करना सिखा देंगे। देखो अलजेब्रा के 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10 सेकंड से पहले सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप थोड़ा सा पेशेंस रखो आप कि इसको करेंगे कैसे। देखो आप, अगर इसको एक्स से एक्स स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड में क्या कर देंगे स्क्वायर, जब आप स्क्वायर करोगे, जब आप वर्ग करोगे दोनों साइड में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, या पहले बी स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, ऐड में किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो ये कितना हुआ, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। अगर अपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर देखें तो ये दो जो है वो इधर आके किसका हो गया, माइनस का। आपके पास जो आंसर आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 25 में से 2 कम कर देंगे, आंसर कितना आ गया आपके पास, 23। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, एक्स प्लस 1/x या एक्स माइनस 1/x, यहाँ एग्जामिनर पावर 2, 4, 6, 200, 400 कुछ भी पूछ सकता है वो, ये फिक्स है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने ही आना है। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, देखो ये तो मैंने आपको पैटर्न बताया कि इस तरीके से होगा, लेकिन एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन कैसे करेंगे, अपने करेंगे इस क्वेश्चन में। अब आप देखो कि ये चेंज कैसे हो रहा है, अगर यहाँ से अगर इसको अपने सॉल्व करें, जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो राइट हैंड साइड का जो दायां पक्ष है आपको उसका उसका वर्ग तो हो ही रहा है। देखो आप, इसका मतलब राइट हैंड साइड का स्क्वायर तो करना ही करना है आपको, माइनस अगर प्लस 2ab है, देखो ab तो दोनों रेसिप्रोकल में है, व्युत्क्रम में, तो आपस में कट गया, प्लस 2 इधर आगे किसके हो जाएंगे, माइनस के 2। हमें ये ध्यान रखना है बस कि क्या करेंगे, जब 5 है तो इसका क्या रिजल्ट लिख देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर कितना आ गया आपका, 23। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसी से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपको कैसे करने। तो ले सेकंड क्वेश्चन, देखो आप क्या है इसी से रिलेटेड, कि
यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है, कोई भी नंबर ले लो आप जो आपका मन करे, मान लो अपना नंबर ले लिया 10 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखो एक तो रिजल्ट ये है कि आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, लेकिन अपने को क्या पता है, अपने क्या है जो राइट साइड का स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस के 2। आपके पास जो आंसर आया 100 में से 2 कम कर दिए, फाइनल आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 98। अब एग्जामिनर क्या करेगा, अब देखो अब जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, अगर मान लो इस जगह पर लिखा हो 6 तो आपका आंसर आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 कितना हुआ, 34। तो अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद हैं तो आप क्वेश्चन को फास्ट इसका रिप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ 11 का स्क्वायर माइनस 2, तो रिजल्ट कितना हुआ, 121 माइनस 2 119। तो अगर मान लो यहाँ कोई नंबर आपका यहाँ माइनस में दे रखा है, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ माइनस में नंबर दे रखा है, पहले 8-10 वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक समझना है, यहाँ इस जगह पे दे रखा है 5, तो ये रिजल्ट आपसे पूछा है। देखो ये रिजल्ट कैसे आएगा, अब मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर अपने दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर दें, पहले तो वो समझते हैं ना कि डायरेक्ट रिजल्ट पे कैसे पहुंचेंगे, अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 का स्क्वायर मान लो ये कट गया आपस में, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट आया, माइनस 2 इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के 2, तो 25 प्लस 2 कितना हुआ, 27। अब आप ये सोचो कि जब ये रिपीट होगा, जब ये पैटर्न, तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू राइट हैंड साइड में है इसका स्क्वायर तो करना ही करना है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस के 2। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो आप, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पैटर्न पे क्वेश्चन ना बना हो, और कम से कम 4 या 5 वीडियो आपके इसी पैटर्न पे रहेंगे। तो ये 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2, तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया, 27। अब आप देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मान लो इस जगह पर लिखा हो, कोई भी नंबर ले लो जो भी आपका मन करे, 15 लिखा हुआ है, आज ये पूछा जाए, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2 227। अगर इस क्वेश्चन में मान लो लिखा हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2, रिजल्ट कितना हुआ, 402। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, माइनस ले रहे हैं ना, माइनस ले लो आप, माइनस यहाँ रिजल्ट है, मान लो आपका कोई भी नंबर ले लो आप, यहाँ रिजल्ट ले लिया अपनों ने 25, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा। अब आप खुद बताओ आप क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका मतलब राइट साइड का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, मैं आपको कह रहा हूँ देखो 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप पढ़ते हैं ना अलजेब्रा में, अगर प्री में आपके क्वेश्चन आते हैं 3, तो 3 के 3 राइट है, मेंस में आते हैं 10, तो आपके 9, 8 या 9 तो 100% राइट होंगे, 10 का मैं कहता नहीं कि एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि ना हो, लेकिन 100% आपके राइट होंगे। पहले आप उसका बेसिक समझ लो क्या है, अगर यहाँ 25 है तो आपको क्वेश्चन को मौखिक करना है, देखो 25 का स्क्वायर 625 माइनस है तो प्लस 2, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस 2, 625 और 2 कितना होगा, 627। ये नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, देखो अब अपन दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको एक कंबाइंड करके क्वेश्चन करते हैं इन दोनों के, जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपका है 5, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का रिजल्ट दे रखा है, मान लो यहाँ 6, 7, 8 तीन नंबर हैं, तीन क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूँ, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस
वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 36 माइनस टू 34, सेकेंड वाले का क्या आएगा, 49 माइनस टू 47, 64 माइनस टू 62। इसका मतलब क्या है, राइट साइड का स्क्वायर माइनस टू, ये तो अब आप समझ में आ ही गया होगा। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर माइनस टू, 36 में से दो कम किए आंसर कितना आ गया 34। सेकेंड क्वेश्चन का, 7 का स्क्वायर माइनस दो 47। तीसरा आपका है 8 का स्क्वायर माइनस दो 62, क्वेश्चन का हुआ आंसर। तो ये आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप इस क्वेश्चन का। अगर देखो इसी क्वेश्चन को अगर अपने चेंज कर दें, मान लो कि एग्जामिनर यहाँ क्या करता है कि यहाँ नंबर कोई भी ले लो आप, कोई भी नंबर ले लिया, अपनों ने 10 ले लिया, 11 ले लिया और 12 ले लिया, प्लस की जगह अपने यहाँ कर देते हैं माइनस, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हो गया 6 और ये आपसे पूछा है। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर क्वेश्चन में इस ये नंबर देने के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए तो यहाँ आप जो राइट साइड का स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ माइनस आएगा या प्लस, यहाँ आएगा प्लस। क्यों आएगा, क्योंकि इसका माइनस दो ए बी इधर आके प्लस का दो ए बी होगा और ए बी आपका एक है एक्स और वन बाई एक्स। तो इसका मतलब पहले का आंसर क्या आएगा, देखो पहले डायरेक्ट करो आप, 10 का स्क्वायर 100 प्लस दो 102, 11 का स्क्वायर 121 प्लस दो 123, 12 का स्क्वायर 144 प्लस दो 146। इसका मतलब पहले वाले का आंसर कितना हुआ, 10 का स्क्वायर प्लस दो 102, सेकंड वाले का 11 स्क्वायर प्लस टू 121 और दो 123, नेक्स्ट क्या है 12 का स्क्वायर प्लस दो कितना हो गया 146। इस जगह पर बच्चे के माइंड में एक कन्फ्यूज़न आता है, देखो वो कहता है कि सर अगर मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा। देखो माइनस जो होगा ना वो आपका 3-4 क्लास के बाद कन्फर्म होगा, कैसे सोचो कि अगर यहाँ माइनस होता, मान लो माइनस होने को हो सकता है यहाँ पावर 4 भी होगी, 6 भी होगी, 200 भी होंगी, सारे करवाऊँगा मैं आपको। अगर यहाँ माइनस होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी में मान लो आपने माइनस लिख दिया, लेकिन प्लस के लिए आपको a माइनस बी से a प्लस बी का कन्वर्जन, मतलब क्वेश्चन में a माइनस बी दे रखा है, x माइनस वन अपॉन एक्स दिया है और x प्लस वन अपॉन एक्स आपको पता होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगी सारी चीज़ें, फिलहाल अपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये तो समझ गए आप, इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखो आप जैसे एग्जामिनर क्या करता है कि मान लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर आपका है 7th, यहाँ प्लस इस जगह पर अंडर रूट की वैल्यू लिख देता है रूट 11। अब आपसे पूछे अब आपके आंसर क्या आंसर आएगा, देखो आप अपने को पता है कि अपने को इसका स्क्वायर तो करना ही करना है, रूट 11 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 11, और यहाँ प्लस है तो माइनस टू, तो 11 माइनस दो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आ गया 9। क्लियर है, आप नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अब आप सोचो कि अगर एग्जामिनर क्या करता है इसी क्वेश्चन में यहाँ कर देता है माइनस, यहाँ कर देता है माइनस, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8 और ये पूछा है हमें पता है अगर यहाँ माइनस होगा तो राइट साइड का स्क्वायर प्लस टू होगा, तो 11 में अगर आप दो ऐड कर दोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है 5, तो आपसे पूछा है, अब एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखो x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 का मान ज्ञात करें। अब आ देखो इस क्वेश्चन में धीरे धीरे देखो 4 है फिर 6 8 सारा समझेंगे, अभी उसी फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं। जब आप x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा, उसका फिर स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आएगी, समझ गए कैसे। जैसे इससे पहली स्टेज क्या है अपने, ये है x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर और सेकेंड स्टेज ये है, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप आपका है सेकेंड।
कुछ समय के लिए आप उसे भूल जाओ कि ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछे, क्या आंसर आएगा? देखो आंसर बताओ आप क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2। अभी मैंने बताया था आपको 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो आपके पास आंसर कितना आया? 23 आ गया। अब अपने को पता है कि इसके स्क्वायर में, अब आप देखो 23 इसका रिजल्ट है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो एक तरह का आप 23 का स्क्वायर ही तो कर रहे हो। आप कहने का मतलब देखो, एक्स से एक्स स्क्वायर पे आए, वापिस आप इसका स्क्वायर करोगे, ये बराबर 23 लिखा हुआ है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 23 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 23 का स्क्वायर माइनस 2। तो अगर यहाँ आपको 30 तक के स्क्वायर भी अगर याद हैं तो बहुत है इतना, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 माइनस 2, आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया? 527। देखो आप इस क्वेश्चन का एक मैं और कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर एग्जामिनर क्या करता है, मान लो कि ये क्वेश्चन दिया, उसने इसको ऑप्शन दिए, थोड़ा सा ऑप्शन टेक्निक पे भी आ जाओ आप, आपको ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग मेथड सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। मान लो इस क्वेश्चन के ऑप्शन उसने दिए 525, 627, 310, 819 और एक ऑप्शन आप ये ले लो 527। अब आप समझना, देखो आप इस पैटर्न पे 2018 के मेंस के एसएससी के पेपर उठा के देख लो आप रेलवे को उठा के देख लो आप, इस क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इतना भी मत करो, आप क्या करो, ऑप्शन में प्लस टू कर दो। ऑप्शन में प्लस टू करने पर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हुआ वो आपका आंसर है। कैसे? क्योंकि जब आप प्लस टू करोगे तभी तो परफेक्ट स्क्वायर में आंसर आ रहा है। देखो आप कहने का मतलब, ये जो आंसर है ये एन स्क्वायर माइनस टू फॉर्म में है, तो इसका मतलब 527 में अगर आप दो जोड़ोगे तभी तो 529 आएगा। या आप ऐसे समझ लो, आप अगर आपको ये सही समझ में ही नहीं आई तो आप ऐसे समझो कि जो ऑप्शन होगा वो एन स्क्वायर माइनस टू फॉर्म में होना चाहिए। कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? एन स्क्वायर माइनस टू फॉर्म के अंदर होना चाहिए। अभी जो पेपर अपनों ने डिस्कस किए हैं उसमें भी आपको आइडिया लग गया होगा, मैंने कई क्वेश्चन करवाए थे। जैसे आप देखो 525 हमें पता है कि अगर 22 का स्क्वायर कर दे तो 484, 23 का स्क्वायर कर दे तो 529 आना चाहिए। अब 23 का स्क्वायर माइनस 2, ये जो नंबर है आपका वो कौन सी फॉर्म में है? 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो इसका आंसर कितना हुआ? 527। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ऐसे उल्टा भी समझ सकते हो, दो जोड़े तो 312, 3821, 527 और 529। मतलब क्वेश्चन को देख के आप रीड कर सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो यहाँ क्या होगा, 527 आपका आंसर है, क्योंकि दो इसमें ऐड करेंगे तो 529 23 का स्क्वायर होगा। मेंस 2018 में जो क्वेश्चन आए थे वो पावर यहाँ 8 दे रखी थी, तो 8 का एक ही है, चाहे पावर 8 हो, 16 हो, 32 हो, 256 हो, जो भी प्लस टू करने पर रिजल्ट आएगा परफेक्ट स्क्वायर वो आपका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझ लो आप इसे। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आप इसी क्वेश्चन को अगर अपने क्या करें या माइनस कर दें, इस जगह पर अगर अपने माइनस कर दें और ये आपसे पूछा जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो अभी जो आपको पैटर्न समझाया था कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले आपके पास नंबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², उसके बाद ये नंबर आएगा। स्टेप वन ये कहता है कि अगर माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, यहाँ माइनस होगा वो बाद की बातें, अगर फिलहाल अपने प्लस पे बात करें कि अगर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो या फिर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में आता है, तो अगर आप इसके थ्रू ये नंबर लेके आओगे तो 5 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, माइनस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस 2। अभी बताया था आपको माइनस है तो प्लस 2 होगा, प्लस है तो माइनस 2 होगा, तो ये जो रिजल्ट हुआ वो कितना हुआ? 27। अब आप सोचो अगर यहाँ 27 इसका रिजल्ट आया, यहाँ से ये रिजल्ट पे लेके आएंगे तो सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ प्लस है तो अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा 27 का स्क्वायर माइनस 2। इम्पॉर्टेंट देखो आप क्या है, माइनस 2 आ रहा है, क्योंकि प्लस 2 कब होगा? जब यहाँ माइनस होगा। अगर प्लस और माइनस होगा तो हमेशा प्लस होगा, तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में माइनस या प्लस दे रखा और पावर 4 तक गए तो सेकंड स्टेप के अंदर हमेशा जो है वो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। तो 27 स्क्वायर 729 माइनस 2, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 727। समझ गए आप? 729 माइनस 2 इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है x प्लस 1/x की वैल्यू है 8 और आपसे यहाँ पूछा है
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हुए चलते हैं। ये रिजल्ट आपसे पूछा है, देखो अपने क्या करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, अपने को पता है इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं और इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है 8, तो x प्लस वन बाई एक्स का रिजल्ट यहाँ कितना हुआ, 8। क्लियर है, क्योंकि ये तो सेम ही लिख दिया आपने। अब आप सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो होगा, अभी मैंने आपको बताया था क्या आंसर आना चाहिए, 8 का स्क्वायर में प्लस 2 होगा या माइनस 2 होगा। अगर यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस का 2। इसका मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 2, 64 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 62। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आया वो 8 प्लस 62 कितना आ गया, 70 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। अब मान लो कि अब आप इस पैटर्न को समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसी में चेंजेस करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। कि अगर एग्जामिनर क्या करता है, देखो ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं आपको, आपको जो स्टार्टिंग की 8-10 वीडियो जो पैटर्न समझाऊंगा ना, इस पैटर्न पे ही आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन तो उसके बाद स्टार्ट होंगे। मैं तो ये भी आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ताकि आपको जो अलजेब्रा का जो डर है वो आपका दूर हो जाए। अगर यहाँ 11 की जगह अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, कि अगर मान लो यहाँ माइनस होता इस जगह पर, इस जगह पर माइनस हो और एग्जामिनर क्या कर रहा है, यहाँ लिख देता है माइनस, यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि वो कंसेप्ट मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है। और यहाँ कोई नंबर चेंज कर देते हैं, अपनी इच्छा से कोई भी नंबर लिख दो, मान लो आपने यहाँ 10 लिख दिए, कोई भी नंबर। देखो अब आपसे ये रिजल्ट पूछे, अब आप बताओ कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा देखो एक्स माइनस वन बाई एक्स 10 है, ये देखो ये 10 हो गया और ये रिजल्ट, ये तो 10 होगा ही होगा, ये क्या होगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस वन अपॉन एक्स अगर 10 दे रखा है तो x का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर तो होगा ही होगा और माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस 2। तो 100 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 102। आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, 10 में 102 अगर जोड़ दें तो कितना आ गया 112। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने लिखें, देखें कि एग्जामिनर क्या करता है कि इसी क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में कैसे पूछ सकता है, कि जैसे यदि x प्लस, अब वन अपॉन x नहीं लिखेगा वो, x की पावर माइनस वन। अब आप TCS के क्वेश्चन उठा के देखो आप, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, मान लो इस जगह पर उसने लिख दिया 11 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू का मान ज्ञात करें। अब बहुत सारे बच्चे तो ये देख के घबरा जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो आप इसको समझो कि ये ऑलरेडी अपनों ने किया हुआ है, क्या इसे अपने ऐसे नहीं लिख सकते x प्लस वन अपॉन एक्स, क्योंकि ये पैटर्न घातांक करने के अंदर सर्ट्स इंडाइसिस में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई नंबर n की पावर माइनस वन है उसे अपने लिख सकते हैं वन अपॉन एन, ये पैटर्न तो पता होगा आपको। अगर यहाँ माइनस वन है तो नीचे आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस टू है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का वे अलग है। अब इसको अगर अपने देखें तो इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप खुद बताओ कि इसका जो आंसर आएगा 11 का स्क्वायर 121 में से 2 कम होगा, 119 आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2, 121 माइनस 2 119 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो जैसे मान लो कि क्वेश्चन लिखा है, यदि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में एक्स ही लिखा हो, क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 का जो रिजल्ट है पावर में है ये, मान लो यहाँ जो रिजल्ट दे रखा है वो दे रखा है 8 हो तो, अगर आप चाहते हो कि इसका स्क्वायर हो, क्वेश्चन खुद बना हुआ, अगर एक स्क्वायर हो तो आप क्या लिखोगे x प्लस वन बाई एक्स, अगर आप चाहते हो कि उसका एक बार और स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है, आपको पहले अपने ये ज्ञात कर लेते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान ज्ञात करें।
अब इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी क्या हो सकती है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, ये भी तो एक ही बात हुई। ऐसा आता है तो क्वेश्चन को बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा पता नहीं, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, जबकि सेम ही तो है, इसका मतलब भी तो वन अपॉन हुआ। अगर ये है तो और आपसे पूछा क्या है, x प्लस x टू द पावर माइनस वन, दोनों का मतलब है सेम। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर पावर हाफ है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तभी तो आप x पे जाओगे, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि x प्लस वन अपॉन x 8 है और आपसे स्क्वायर पूछा है, तो हमें पता है कि 8 के स्क्वायर में माइनस 2 करेंगे, 64 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 62। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम कैसा हुआ, सेम हुआ अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन और आपसे ये पूछे, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 8 का स्क्वायर माइनस 2, 64 माइनस 2 कितना हुआ 62, सेम ही तो है। जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ देखो स्क्वायर, मान लो कि एग्जामिनर यहाँ 1/4 लिख देता है और यहाँ भी 1/4 लिखता है, तो 1/4 का जब स्क्वायर होगा तो 1/2 पूछा जाएगा, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 8 के स्क्वायर में माइनस 2 कर देंगे, आंसर कितना आ गया 62। या हम ऑप्शन में देख लेंगे कि 62 में 2 जोड़ा तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये आप समझ लो आप एक बार क्या है, तो समझ में आ रहा है ना आप सबको। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा है यदि x टू द पावर 1/4 प्लस x टू द पावर माइनस 1/4 इक्वल्स टू है 1, क्लियर। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है x की पावर 1 to 8, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लस x टू द पावर माइनस 1 to 8 का मान ज्ञात करें। यह आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, अगर आपका पैटर्न अगर आपको क्लियर है जिसे आप प्रैक्टिस कर लोगे, इस क्वेश्चन को देख के आप 5 सेकंड में बता सकते हो कि इसका आंसर माइनस वन है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले जब आपने इसका स्क्वायर किया, पहला स्टेप, जब आप इसका स्क्वायर करोगे पावर 1/4 का जब स्क्वायर होगा तो 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 हो गया, ये जो नंबर आएगा वो इसका स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ में क्या आएगा माइनस 2, क्योंकि 2ab ab तो कट जाएगा आपस में, क्योंकि ये क्या नंबर है, ये 1/x की पावर 1/4 लिखा हुआ है, ये रिजल्ट हुआ माइनस का 1, ये हो गया आपका माइनस का 1, क्लियर। फिर जब आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x प्लस 1/x, इसके स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस 1 के स्क्वायर में माइनस 2, 1 - 2 कितना हुआ माइनस 1, इसका मतलब यहाँ भी माइनस 1 आ रहा है, यहाँ फिर माइनस 1 आ रहा है। अब आप सोचो जब आप इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो भी तो आपका माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 - 2 माइनस 1 शो करेगा। अब आप सोचो अगर यहाँ 2 पूछा है तो भी माइनस 1, अगर यहाँ 4 पूछा है तो भी माइनस 1, अब क्या क्या आंसर हो सकते हैं, देखो 2 पूछा है, 4, 8, पावर 8 हो, स्क्वायर कर दो 16, स्क्वायर कर दो 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, इन सब के आंसर क्या होंगे माइनस 1, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1। इस तरीके से अपने को समझना है। अब क्या करेंगे अपने, अब मैं आपको एक थोड़ा सा नई चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, मैं आपको हर रोज़ 5 क्वेश्चन अभी दूंगा आपको इस बोर्ड पे, आपको उन 5ों के क्वेश्चनों के जो आज मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड आप इसके आंसर मेरे को बता देना, फिर मैं उनके आंसर की आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसका आंसर ये है, और ताकि आपका हर रोज़ जितना किया वो साथ के साथ आपका रिविज़न होता रहे। तो वो क्वेश्चन देखो आप क्या है, देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि यदि एक्स प्लस 1/x का मान 30 है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताना है। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 1/x अगर 4 है तो पावर 4 वाला रिजल्ट बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x 11 है तो ये एक्सप्रेशन दे रखा है ये बताना है। चौथा लिखने का पैटर्न अलग है, x माइनस x की पावर माइनस 1 अगर 4 है तो ये रिजल्ट बताना है आपको। नंबर 5 में x की पावर हाफ प्लस x की पावर माइनस हाफ अगर 1 है आपको 512 प्लस x की पावर माइनस 512 आपको रिजल्ट बताना है। तो ये 5ों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं इनको सॉल्व करना, इनके सारे पैटर्न मैंने आपको क्लास में समझा दिए हैं,
तो ये इसलिए दिए ताकि आपका एक इन्वॉल्वमेंट क्लास के साथ बना रहे और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे आंसर की। आप सर बता देना इनके आंसर जो होंगे, राइट जो आंसर होंगे मैं आपको मैसेज के थ्रू बता दूंगा। इस तरीके से आपको हर रोज़ पूरी क्लास अटेंड करनी है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि हर क्लास में आपको क्वेश्चन समझाऊँ। स्टार्टिंग में मैं फिर बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि अलजायरा को समझते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बाद में हम एक साथ इसके 100-150 क्वेश्चन करेंगे 10-15 वीडियो के बाद। बहुत मज़ा आने वाला है, बस आप बने रहिए। तो कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।